प्रारंभ में क्या होता है, भक्ति का यही स्वरूप होता है जो आपका आपने जो वर्णन किया। प्रारंभ में सबकी भक्ति का स्वरूप यही होता है। जब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे तो शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, हे सब सब एकत्रित कर, क्योंकि हमारा प्रारंभिक जो भक्ति का कदम होता है वो इसी तरह से चलता है। जो जो हमारे प्रियता में भगवान के नाम रूप आते गए, उनकी आराधना करते गए, इसके बाद चयन होता है गुरु का। जो रंग लाने वाली बात होती है वो होती है, जैसे हम विविध चालीसाएं पढ़ी, विविध नाम कीर्तन किए, भगवान की कथा, तो उसके फल स्वरूप मुझे सद्गुरुदेव मिले। फिर सद्गुरुदेव ने जो नाम दिया, सद्गुरुदेव ने जो इष्ट बताया उसको पकड़ लिया। जैसे गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में सबकी विनय की और सियाराम चरणों में प्रेम मांगा। जैसे अपने लोग कुछ भी तो सबका फल किशोरी किशोर जू लाडली लाल के चरणों में प्रेम। तो अब हमें ये देखना है कि अभी तक हमारी उपासना हमारे भाव से चलती रही, अब हमारे भाव का फल है गुरुदेव के भाव में हमारा भाव समाहित हो जाए, तभी वो सिद्धावस्था मिलती है। अब खुद हृदय में देखो, अभी प्रियता कहाँ है, प्रेम कहाँ है आपका, आप नहीं ढूंढ पाओगे। शरीर में भी प्रेम है, परिवार में भी प्रेम है, भगवान के विविध नाम रूपों में भी है, तो अभी वो प्रेम नहीं हुआ। जब सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध, वो काम गुरुदेव करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपसे बड़ा कोई गुरुदेव है नहीं, आप कृपा करके मुझे आदेश अंदर से करो कि मैं आपके किस नाम रूप में आसक्त हो जाऊं। वो शिव रूप है या राम रूप है या वही है, दूसरे नहीं है, दुर्गा काली अम्बा जो भी कहो वो एक ही है। भाई एक जगह लग जाने पर फिर आनंद की अनुभूति होती है। तो अब आप देख लीजिए, आप अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रीति एक से होती है, वो एक ही है। तो जब तक हम नहीं जानते तब तक बहुत रूपों में उसका हम आराधन करते हैं, पर प्रीति एक से करके बहुत रूपों में उसकी भावना कर लेते हैं। जैसे गोपीजन श्याम सुंदर से प्यार करते हैं तो कहने जित देखूं तित श्याममयी, अब कोई दूसरा नहीं है, जिधर देखती हूँ श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर नजर। गोस्वामी जी राम जी से प्यार करते वो कह रहे जड़ चेतन जग जीव सकल राममय, ये अपनी भावना एक आराध्य देव पर वही है, लग जाए तो रंग आ जाए। अब ज्यादा समय तो नहीं रहा, अब जीवन का ज्यादा समय तो नहीं रहा, तो अब रंग आना चाहिए। अब प्रभु का कोई एक नाम रूप पकड़ लो और उसी में डूब जाओ। हाँ, एक नाम रूप में कोई प्रभु का पकड़ लो।